झारखंड बने हुए 21 साल हो गए, लेकिन अब तक यहां के खिलाड़ियों को लेकर पहले की सरकार गंभीर नहीं थी। खिलाड़ियों के साथ अब तक सिर्फ खेल हुआ है, ये कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। कांग्रेस जल्द ही खेल खिलाड़ियों के उत्थान के मसले पर मुख्यमंत्री से बात करेगी और रांची के सेंट पॉल मैदान में राजीव गांधी स्मृति आदिवासी सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ये घोषणा की है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले प्रतियोगिता का उद्घाटन राजेश ठाकुर ने किया, जिसमें राजधानी के कई नामचीन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजधानी रांची के सेंट पॉल मैदान में रविवार से राजीव गांधी स्मृति आदिवासी सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की पद्मश्री मुकुंद नायक भी मौजूद थे। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 44 टीम भाग ले रही है, जिसका फाइनल 31 को होगा। उद्घाटन समारोह में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर माहौल देने और खेल के विकास को लेकर सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन से बात करेगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने खिलाड़ियों की स्थिति पर पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा। सालों तक सरकार रही है, कहीं ना कहीं जो चीज होनी चाहिए थी, खेल विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बट उसमें कुछ हुआ नहीं। तो अब हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, कहेंगे कि आप कला संस्कृति खेल के जगत के लोग हैं, हम लोग इस धरती से आते हैं, तो निश्चित रूप से हमको इस बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरह से कम संसाधनों में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, देश में नहीं दुनिया में कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को उसके बेहतरी के लिए सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं इस मामले में। राजीव गांधी स्मृति आदिवासी सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि इस प्रतियोगिता के बाद 40 साल के उम्र वाले खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन होगा। हम लोग अंडर 19 से 35 तक का खेल रहा है, इसके बाद हम लोग अंडर 40 को भी हम लोग यहाँ पर अवसर देंगे। माने इस आप पहले देख रहे थे कि भाई हर मैदान में लोग शाम को मैच में भीड़ लगा रहता था, आप मैदान में कोई आदमी दिखाई नहीं देता है मैदान, इसीलिए ये तमाम चीज़ों को बचाते रखते हुए जो खिलाड़ी हैं, एक से एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उन प्रतिभावान खिलाड़ी को हम लोग ये जो भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के स्मृति में ये मैच करा करके हम लोग इनको एक मोटिवेट करना चाह रहे हैं। राजधानी रांची जो कभी एक से एक टूर्नामेंट के आयोजन का गवाह रहा है, में आज फुटबॉल प्रतियोगिता गुमनामी के अंधेरे में खोती जा रही है। इस बीच संत पॉल मैदान में शुरू हुए टूर्नामेंट में अगले 2 सप्ताह तक फुटबॉल का रोमांच सर चढ़कर बोलेगा, जिससे फुटबॉल के खिलाड़ी और दर्शकों में खासा उत्साह दिख रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।